वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑक्शन स्ट्रेटजी। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थानी रजवाड़ों की, राजस्थान रॉयल्स। 2022 मेगा ऑक्शन के बाद टीम चाहे कोई भी जीती हो, लेकिन वो ऑक्शन तो अपने नाम किया था इस अंकल ने ही। 2008 का आईपीएल जीतने के बाद 15 साल का सूखा खत्म करने उतरेगी राजस्थान रॉयल्स। 19 दिसंबर को हो रहे आईपीएल ऑक्शन में इनकी क्या रहेगी स्ट्रेटजी, उसका लगाएंगे एक अनुमान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पिछले 4 वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियोस देखकर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर टारगेट इज 200 बिफोर क्रिसमस। नाउ बैक टू द वीडियो। राजस्थान की रिटेंशन लिस्ट देखने से पहले एक नज़र डालते हैं ट्रेड्स के ऊपर। देवदत्त पाडिकल, जिनका पिछला 2 साल RR में खराब ही हुआ था, उसको ट्रेड कर दिया गया है LSG के साथ फॉर आवेश खान। बाकी एक स्टेबल मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ती नजर आएगी राजस्थान रॉयल्स इस बार भी। रिलीज लिस्ट की तरफ देखें तो अपने कोर को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है मैनेजमेंट ने, मतलब अपने डिसीजन को बैक कर रहे हैं, विच इज़ ऑलवेज अ गुड साइन। 2022 के मेगा ऑक्शन में ट्रेंट बोल्ट और यूजी चहल लेकर अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करी RR ने, और यशस्वी बटलर और सैमसन के साथ एक तूफानी टॉप ऑर्डर भी अपने नाम किया। RR की मौजूदा स्क्वाड में कई इंडियन पेसर्स दिखाई दे रहे हैं, नवदीप सैनी, आवेश खान, संदीप शर्मा, कुलदीप सेन, प्रसिद्ध कृष्णा। ऐसे में ये इंडियन पेसर तो नहीं ढूंढेंगे, लेकिन क्या ये किसी ओवरसीज पेसर के लिए जाएंगे? राजस्थान की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इस टीम में ओवरसीज बहुत बड़े नाम बहुत सारे नहीं हैं। ट्रेंट बोल्ट, जॉस बटलर और शिमरन हिटमायर ही वो 3 प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंटली सारे मैचेस खेलते नजर आएंगे। ऐसे में चौथे ओवरसीज प्लेयर की तलाश में ये टीम ऑक्शन में उतर सकती है। इनके पास 14.7 करोड़ का एक बहुत लिमिटेड पर्स है, ऐसे में ये सिर्फ एक ही बिग बजट साइनिंग कर सकते हैं, मतलब इस ऑक्शन के हॉट पिक्स तो इनको शायद ना मिले। इवन दो इस टीम के बेसिक्स क्लियर हैं, लेकिन बचे हुए 14 करोड़ से वो इस टीम को फाइन ट्यून करने की कोशिश करेंगे। टॉप ऑर्डर में कंसोलिडेशन देने वाले बल्लेबाज की कमी है, क्योंकि जायसवाल, बटलर और सैमसन तीनों अटैकिंग बल्लेबाज हैं और इनिंग्स को एंकर करने को नहीं देखते। ये रोल पिछले 2 साल से देवदत्त पाडिकल का हुआ करता था, उस होल को भरने के लिए शायद ये मनीष पांडे के पीछे जाएं। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, लगभग अपनी करियर के एंड में हैं, और कंसिडरिंग कि अगले साल मेगा ऑक्शन है, उस हिसाब से मनीष पांडे माइट जस्ट बी द परफेक्ट पिक फॉर द स्पॉट। पांडे जी के अलावा अगला ऑप्शन है करुण नायर का, लखनऊ ने इस साल रिलीज किया है। इनके पास भी बहुत एक्सपीरियंस है और ये मौके तलाश कर रहे हैं अपने आप को प्रूव करने के। पंजाब के खिलाड़ी मनदीप सिंह भी इस रोल में परफेक्ट फिट होंगे। बैटिंग लाइनअप में थोड़ा नीचे जाए तो मिडिल ऑर्डर में भी थोड़ा टचअप की जरूरत है। शिमरन हिटमायर ने ओवर द ईयर्स इस फ्रेंचाइज के लिए अच्छा किया है, और पिछले साल ध्रुव जुरेल ने भी कमाल की फिनिशिंग करी थी। लेकिन एक खिलाड़ी जिसने अभी तक अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई नहीं किया है, वो है रियान पराग। लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। रियान पराग ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 10 मैचों में 510 रन और 183 के स्ट्राइक रेट के साथ। ऐसे में इन्हें एक और सीजन का मौका देना RR मैनेजमेंट का एक और अच्छा डिसीजन है। डोनोवन फरेरा एक एक्स फैक्टर खिलाड़ी है, जो कि इस साल RR के लिए चौथे परमानेंट ओवरसीज खिलाड़ी बन सकते हैं। ये एक ऑलराउंडर है इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। बैटिंग और बॉलिंग के साथ फरेरा कीपिंग भी करते हैं, ऐसे में शायद ये ध्रुव जुरेल का साथ देते नजर आए एक फिनिशर रोल में, या तो फिर ये जेसन होल्डर के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ढूंढे, जो कि हैं डैनियल सैम्स। स्पिन बोलिंग एस्पेक्ट भी कवर्ड है RR का। सवई मानसिंह स्टेडियम एक अच्छा खासा बड़ा स्टेडियम है और यहाँ स्पिनर्स को बोलिंग करने में मदद भी मिलती है। ऐसे में रविचंद्रन अश्विन, यूजी चहल और एडम जैम्पा से अच्छे विकल्प कोई और हो नहीं सकते थे। लोअर ऑर्डर बैटिंग के पीछे अगर ये टीम भागे तब वानिंदु हसरंगा कैन बी एन ऑप्शन, लेकिन इंजरी से कब तक रिकवर करेंगे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट के स्पीयर हेड है ट्रेंट बोल्ट, लेकिन उनको कॉम्प्लीमेंट करने वाला कोई अच्छा इंडियन पेसर अभी तक मिला नहीं है RR। इस बार भी बहुत ऑप्शन है, लेकिन डेथ ओवर्स में ये टीम हमेशा स्ट्रगल करती नजर आती है, इसलिए उनको डेथ ओवर्स में एक ओवर यूजी से कराना पड़ जाता है। ऐसे में शायद 14.7 में से एक मेजर चंक ऑफ मनी किसी ओवरसीज डेथ बॉलर के पीछे इन्वेस्ट करे RR। लेकिन पिछले कुछ सालों से महंगे प्लेयर्स खरीदने से थोड़ा हिचकिचा रही है टीम। एक जमाना था जब जयदेव उनाडकट पे ये टीम अंधा पैसा खर्चती थी, मगर अब ये टीम शायद 8 करोड़ से ऊपर किसी एक प्लेयर के पीछे ना जाए। 2022 में IPL जीतने से एक कदम पीछे रह गई थी RR। पिछले साल नेट रन रेट के कारण प्लेऑफ्स नहीं खेल पाए थे। ऐसे में इस स्क्वाड के पास ये एक आखिरी मौका है IPL ड्रॉट खत्म करने का, क्योंकि अगले साल फिर मेगा ऑक्शन है और सारी टीमों के फाउंडेशन हिलने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके बताइए कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप राजस्थान की जर्सी में देखना चाहते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली टीम की ऑक्शन और रिटेंशन स्ट्रेटजी वीडियो के साथ, विच इज़